जिसे अक्सर लोग होते हैं ये पीछे से पकड़ लेते हैं ये, ठीक है। अब आपका किसी ने ग्रिप कर ली, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आपने सबसे पहले एक सिंपल सी टेक्निक क्या करनी है, देखिए ये है। अब आपने ना छुड़ाते हुए मतलब पहले उसकी अटेंशन डाइवर्ट करनी है पाँव की तरफ, ये ताकि वो समझे मैं नीचे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसके हाथ को आप देखिए कि मिडल फिंगर, ये आप ये देखें, ये ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गई। बिलाल साहब आप आए, ज़रा ये देखें, ये पकड़े, अब ये पकड़ा। अब आपने क्या करना है, जैसे उंगलियाँ टाइट की होती हैं ऐसे नॉर्मली ये होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ से सिर्फ हाथ डालना है ये, क्योंकि एक साइड के हाथ ऊपर है, आपने नीचे से पहले अटेंशन डाइवर्ट करनी है और यहाँ से इमीडिएटली ये निकाला हुआ ये यहीं से आपने, ठीक है। ये फिंगर वाइड चीज़ है, खास कर चीज़ है, खास कर मिडल फिंगर, कि आप पूरे अच्छे खासे बंदे को अपने कंट्रोल में देखे ला सकते हैं। ये देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई मैं किक और पंच का इस्तेमाल उसमें नहीं कर रहा, तो ये चीज़ है कि आपकी इस चीज़ का आप कर सकते हैं। और भी इसके अलावा टेक्निक है जिससे पकड़े, समटाइम ये होता है कि आप यहाँ से अगर ये अप्लाई नहीं हो रही किसी वजह से, चलिए हो सकता है वो बहुत चाप है, फिर आप यहाँ से ये नीचे से निकलते हैं लाइक दिस, ये अब यहाँ से आपने उसको उठाया, फिर आप उसको यहाँ तक गिरा दें, उसके ऊपर साथ गिरें, ठीक है, या दीवार के साथ मार सकते हैं, आगे रोलिंग करवा सकते हैं, तीन चार डिफरेंट आप इसकी डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना छोटा सा काफ़ी है सेशन, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। यस जी जी, हाँ चलें। अगर ये भी आए ना आसिफ साहब, अब इन्होंने गर्दन से पकड़ लिया, नहीं ये 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 जैसा ये बता रहे हैं ना, ये गर्दन से पकड़े। अब देखो गर्दन से पकड़ा, इसकी भी टेक्निक क्या है, आपने ये रखो अभी छोड़ेगा ये नहीं, इसमें क्या टेक्निक है देखो, पकड़ा आपने गिराने, और भी टेक्निक्स हैं लाइक मैं और क्या कर सकता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, इसे पकड़ा हुआ है ये मैं मूव कर रहा हूँ, और ये छोटी फिंगर ये देखें, ये आओ छोटी फिंगर चिकन ही निकालता, ठीक है, इसके डर लग रहा है छोटी फिंगर की दाद हो, अच्छा छोटी फिंगर का क्या होता है जो ये डर रहा है जिस वजह से, कोई भी और एक्सपेरिमेंट कर सकता है। देखो आप आओ ज़रा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा देखो, अच्छा वो अब देखिए इस तरह हाथ पकड़ा ना मैंने, अब देखो छोटी फिंगर ये है, अगर ये हाथ पकड़ा ठीक है। अब इसकी 1 2 3 4 फिंगर्स, ये वाली जो फिंगर्स होती है इसमें ग्रिप टाइट है, पकड़ो। अब इसको थोड़ा सा जोर लगेगा, ठीक है, छोटी फिंगर ही होती है कि आप बंदा जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है। आप ये देखें, ये इस पर बर्दाश्त भी कम है, ये देखो ये, जबकि ये वाली फिंगर है थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकता है, ये देखें थोड़ा सा बर्दाश्त हो रही है, थोड़ी बर्दाश्त हो रही है, हो रही है ना छोटी फिंगर। और दूसरी चीज़, अगर ये पीछे से उधर मुझे जो बाजू पकड़ो, नहीं इधर से ऐसे ही, हाँ ये अब देखिए ऐसे ग्रिप कर लिया, अब आप छुड़ा नहीं पा रहे, ठीक है। और भी टेक्निक्स हैं, जो स्मॉल फिंगर की बात कर रहे थे उसमें आपने ये करना है कि आपने देखें अटेंशन पहले डाइवर्ट कर रही है, आपने कोशिश कर रहे हैं कि ये अब करते करते आपने स्मॉल फिंगर को पकड़ना है, ये आते जा रहा है अब फिंगर, ठीक है। आप अपनी मूवमेंट जारी रखें ताकि टेंशन डाइवर्ट हो, वो समझे शायद पाँव से छुड़ाने को शिकार, अब इमीडिएटली यहाँ से ये खींचना है, आप पकड़ रखो जरा ग्रिप, पहले मत छोड़ो, ठीक है। अब आप ये देखें, ये अब मैं ये छोड़ो, अब छोड़ते छोड़ते मैं यहीं से नीचे निकलूँगा ये, ठीक है, अब ये मेरे काबू में है, देखो ठीक है, अच्छा उसका उसके लिए फिर कोशिश करो, ये देखो ये बड़ी मेरे से भी छुड़ा पा रहे, देखो ये मैंने पकड़ा हुआ है, अब मैंने ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जैसे आप ये सामने हैं, ये पॉइंट ये देख फौरन मैं इस पर दोबारा, हालांकि मैं और कुछ अटैक नहीं कर रहा, इसमें बॉडी पे कुछ और पॉइंट्स होते हैं, आप उनको दबा के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल फिंगर और मिडल फिंगर, ये दो फिंगर्स को आप यूज़ करें, और 1 to 1 के